नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के एक मशहूर स्मारक ताजमहल के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। ताजमहल आगरा शहर में स्थित है और यह एक मुगल संरचना है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल की निर्माण की कहानी एक प्यार और श्रद्धा की कहानी है जिसे दुनिया भर में महानतम प्रेम प्रमंडल घोषित किया जाता है। ताजमहल का निर्माण सन 1632 में शुरू हुआ और ये तकरीबन 20 साल में पूरा हुआ। इसे पूरी तरह से पुताईशीत श्वेत संगमरमर से बनाया गया है और इसकी सुंदरता बेशक वाकई दिल को छू लेती है। ताजमहल में आपको उस शानदार वास्तुकला का आनंद लेने का अवसर मिलेगा जो इसे एक अद्वितीय बनाती है। ताजमहल का निर्माण मुगल साम्राज्य के समय महत्वपूर्ण घटनाओं के समय में हुआ। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी की स्मृति के लिए बनवाया था। यह एक प्यार और श्रद्धा का प्रतीक है जो इसकी महानता को और बढ़ाता है। ताजमहल की विशेषता में से एक है उसका सफेद रंग, जिसे पूरे दिन बदलते दिखाई देते हैं। सुबह के समय ये चांदनी रंग का होता है और सूर्यास्त के समय यह नारंगी रंग में चमकता है। ये देखने का एक आश्चर्यजनक नजारा है जो ताजमहल को और भी मशहूर बनाता है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अद्वितीयता का प्रतीक है और भारत की गर्व भरी है। ताजमहल की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है। यहाँ जाकर आप महानता, प्यार और आदर्शवाद का एक अद्वितीय संगम देखेंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको ताजमहल के इतिहास के बारे में रोचक जानकारी प्रदान करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।